छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने अब तक का सबसे बड़ा नक्सली एनकाउंटर किया। शुक्रवार 4 अक्टूबर को दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर से सटे थुथुली गांव में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में जवानों ने कई नक्सलियों को ढेर कर दिया। अफसरों के मुताबिक अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। ये पहली बार है जब सुरक्षा बलों ने जंगल के 25 किलोमीटर अंदर जाकर ऐसी मुठभेड़ को अंजाम दिया हो। अबुझमाड़ के दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी अबुझमाड़ में नारायणपुर दांतेवाड़ा के बॉर्डर के क्षेत्र में मेंदू फुलतुली कावाड़ी के आसपास सूचना आई थी कि पूरी बस्तर डिवीजन, इसमें और इंद्रावती एरिया कमेटी के टॉप लीडर्स, टॉप नक्सल्स की वहाँ मीटिंग हो रही है, जमावड़ा है। इस आसूचना पे सर्चिंग रेस्क्यू टीम्स निकली थी अलग अलग जगह से। दांतेवाड़ा DRG थी, नारायणपुर DRG थी, STF सारी टीम्स निकली थी 2 दिन पहले। और कल दोपहर से लगातार और ज़बरदस्त फायरिंग हुई है, सेंजो फायर हुआ है, मुठभेड़ हुआ है। देर रात तक मुठभेड़ जारी रही, सुबह भी सर्चिंग किया गया और अभी तक फाइनल अपडेट ये है कि कुल 31 नक्सलियों की बॉडी रिकवर हुई है, डेड बॉडी रिकवर हुई है, भारी मात्रा में हथियार रिकवर हुए हैं और भारी मात्रा में हथियार रिकवर हुए हैं, जिसमें कंपनी नंबर 6 इंद्रावती एरिया कमेटी, आमदा एरिया कमेटी, ईस्ट बस्तर डिवीज़न के नक्सल लीडर्स, टॉप लीडर्स के होने की संभावना है। सर, इसमें कितने पुरुष माओवादी, कितने महिला माओवादी और कितने की इनामी, ऐसा कुछ जो है शिनाख्ती और आंकड़ा जो है ये स्पष्ट? तो आंकड़ा में पहला आंकड़ा ही 31 है, जहाँ तक हथियारों का है बड़ी संख्या है। टीम अभी बाहर नहीं आई है तो एकदम स्पष्ट और एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद हमें बरामद हुए हैं। इनामी नक्सलियों का, जैसे अभी कुछ दिनों पहले भी एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें एक SZCM हमने फरियादी में मारा था 25 लाख का। SZCM का रैंक जनरली 25 लाख का होता है। इस क्षेत्र में भी इंट था 2 SZCM का। शिनाख्ती अभी हम कर रहे हैं, कन्फर्म करके बताएंगे, अभी तक वो शिनाख्ती का कन्फर्मेशन नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर भी 2 SZCM के होने की इंटेलिजेंस थी और अभी तक बॉडीज वापस नहीं आई है, टीम्स वापस नहीं आई है, जब वापस आएंगे तो करेंगे। वो SZCM 25 लाख के इनामी होते हैं। बाकी जिस तरह से हथियार मिले, बड़ी संख्या में DVCM और SZCM रैंक के लोग हो सकते हैं। DVCM का इनाम 8 लाख के ऊपर होता है और SZCM का 25 लाख होता है। सर, कौन कौन से हथियार वहाँ से बरामद किए गए हैं और किस तरीके से जो है वो हथियार नक्सलियों तक पहुँचते हैं? तो AK-47 है, AK-47 की UBGL है, LMG है, SLR है, INSAS है, 303 है, इसमें से कुछ 3-4 भी हैं और इसके अलावा 315 है, 12 बोर है, भारी मात्रा में हथियार मिले हमें, बड़ी जमावड़ थी। और हथियार पहुंचते कैसे हैं, 2-3 जरिए हैं। बहुत पुराने समय में उन लोगों ने थाने लूटे हैं या फिर आर्मरी लूटी है, तब के कुछ हथियार हैं। मुठभेड़ में जब हमें शहादत देनी पड़ी है, तब के हथियार हैं। और कुछ ये जैसे BGL वगैरह ये खुद भी बना लेते हैं, उसकी फैक्ट्री जरूर रखे हैं, वहाँ के हथियार है, बाकी डिटेल बताएंगे। जिला दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर का सीमावर्ती दक्षिण अबुझमाड़ क्षेत्र में तुलतुली, गवाड़ी, नेंदूर, इस इलाके में माओवादी की उपस्थिति का सूचना के आधार पर DRG दंतेवाड़ा, DRG नारायणपुर, STF बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 4 तारीख को लगातार अनेक बार मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात अब तक कुल 31 माओवादियों को डेड बॉडी रिकवर की गई थी। आम सबमिशन के हिसाब से देखा जाएगा LMG, SLR, AK-47, MSAS, 303, इस प्रकार के अनेक ग्रेनेड वेपन्स भी रिकवर किए गए थे और लगातार अभी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग पूर्ण होने के बाद और विस्तार से डेटा अपडेट करेगा। आमतौर पर इस इलाका में PLG कंपनी नंबर 6, प्लेटून नंबर 16 एवं ईस्ट बस्तर डिवीजन माओवादियों का उपस्थिति रहते हैं, जैसे DKZC मेंबर कमलेश, DKZC नीति और DVCM मीना इत्यादि माओवादी कार्य की उपस्थिति का सूचना के आधार पर पार्टी रवाना की गई थी। अभी जैसा सर्चिंग के पश्चात शिनाख्ती कार्रवाई भी हो जाएगा, शिनाख्ती होने के बाद हम और डिटेल शेयर कर पाएंगे। किस तरह की गतिविधियाँ नक्सलियों की थी, क्या वो कहीं मूव कर रहे थे या किसी ऑपरेशन की तैयारी में थे, क्या नहीं? इस इलाके में तो माओवादी का जैसा
अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो प्लेटून या कंपनी या बड़ी फॉर्मेशन का उपस्थिति रहते हैं, उसी आसूचा के आधार पर सुरक्षा बल द्वारा ये अभियान को संचालित किए गए थे और उसका परिणाम काफ़ी अभी सकारात्मक रहा। लेकिन एग्जैक्टली माओवादी किस काम के लिए उधर एकत्रित हुआ वो जैसा भी डिटेल अभियान कंप्लीट होने के बाद ही फिर हमको स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। सफलता को किस तरीके से देखते हैं, जो मिशन है, जो टारगेट है, उसको इस सफलता को किस तरीके से? लगातार वर्ष 2024 में हमको बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग मुठभेड़ में 188 से अधिक माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गई थी और किसी एक कैलेंडर ईयर में ऑपरेशनल सीजन में ये सर्वाधिक जो माओवादी का नुकसान इस साल पहुँचा गया, तो उसमें 10 ऐसा माओवादी करे जो बाहर प्रांत का भी रहने वाला है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इस प्रकार का सीनियर लेवल का भी माओवादी का इसका डेड बॉडी रिकवर की थी। इससे एक संकेत है, मतलब माओवादी का भी स्थिति काफ़ी कमजोर होते जा रहा है और उनकी पैर के नीचे से जमीन कर सकते जा रहे हैं और आने वाला साल दो साल में हमारा जो लक्ष्य जैसे भारत सरकार और राज्य सरकार का मंशा और क्षेत्र की जनता का इच्छा है उसी अनुरूप हम नक्सल गतिविधि को समाप्त करने की दिशा में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। जिस हमारे एक जवान इस मुठभेड़ के दौरान उनका मामूली इंजरी हुआ है उसका भी इवैक्यूएशन करके उनका ट्रीटमेंट जारी है, उनका स्थिति खतरे से बाहर और सामान्य है। माओवादियों का भी और क्या कुछ नुकसान हुआ उसका आंकलन की जा रही है। अभी हमारे पास 31 डेड बॉडी रिकवर की गई थी और जैसे यदि सर्चिंग में और कुछ घायल माओवादी या डेड बॉडी मिलेगी तो उसका हम अपडेट करेंगे।